अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान खान एंड टुडेज लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। राइट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज द सम ऑफ 3 स्क्वायर, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स को हम लोगों ने सम ऑफ 3 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यानी इनको हम लोगों ने ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको हम लोगों ने क्लोज फॉर्म में लिखकर ऐसे 3 टर्म्स बनाने हैं कि वो तीनों के तीनों टर्म होल स्क्वायर के फॉर्म में हो और उनके दरमियान एडिशन का साइन हो। इसके लिए सबसे पहले तो मैं 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। मैं इस क्वेश्चन को मजीद एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहा हूं। नाउ 2x स्क्वायर को मैं लिखता हूं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर से 2x स्क्वायर बनता है। 2y स्क्वायर को मैं लिखता हूं y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जिससे 2y स्क्वायर आता है। 2z स्क्वायर को मैं लिखता हूं z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जो कि 2z स्क्वायर बनता है, माइनस 2xy एज इट इज माइनस 2yz एज इट इज एंड माइनस 2zx, इसको भी मैं एज इट इज लिख लूंगा। मैंने क्या किया, पहले 2 को ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया, देन x स्क्वायर के साथ 2 था तो 2x स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2y स्क्वायर मींस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2z स्क्वायर मींस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx को एज इट इज लिख लिया। अब माइनस 2xy के साथ अगर मैं एक लिख लूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जिस पे मैं टिक लगा रहा हूं, इन दो टर्म्स को मैंने माइनस 2xy के साथ लिख लिया, फिर प्लस मैं लिखता हूं y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और साथ में लिख लूंगा माइनस 2yz, ये y स्क्वायर और ये z स्क्वायर मैंने लिख लिया 2yz के साथ मैंने लिख लिया। नाउ z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx के साथ मैंने z स्क्वायर और x स्क्वायर को लिख लिया माइनस 2zx। मैंने क्यों लिखा माइनस 2xy, अगर हम लोग इसको देखें फार्मूले के साथ कंपैरिजन करें तो ये माइनस 2ab बनता है, तो माइनस 2ab के साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए। माइनस 2yz माइनस 2yz मींस माइनस 2ab, इसके साथ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, जो कि यहां पर इन तमाम टर्म्स में मौजूद था। माइनस 2zx माइनस 2zx मींस माइनस 2ab, ये भी z स्क्वायर और x स्क्वायर इसके साथ चाहिए था, तो मैंने एक्चुअली इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा किया और इन तीनों टर्म्स से फार्मूला बनता है, फार्मूला क्लोज करेंगे a माइनस b होल स्क्वायर। यहां पर भी फार्मूला क्लोज होगा a माइनस b होल स्क्वायर एंड थर्ड टाइम वही फार्मूला क्लोज होगा a माइनस b होल स्क्वायर। सो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो डिमांड की गई थी कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते करते इसको कन्वर्ट कीजिए इनटू द फॉर्म ऑफ सम ऑफ 3 स्क्वायर्स। सो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये इन तीनों का सम हो गया और यही हम लोगों ने प्रूव किया और यहां पर लेक्चर नंबर 4 खत्म हो जाता है।